अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा इब्रार एंड यू आर वाचिंग बेकर ब्यूटी चैनल। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से भी होंगे और अपने घरों पर मौजूद भी होंगे, अपने प्यारों के साथ वक्त भी गुजार रहे होंगे। तो कुछ टेक्निकल वजूहत की बना पर मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ और मैं इज़हार अफसोस भी करना चाहूँगा जो सिचुएशन आजकल चल रही है उसके ऊपर। तो आज का टॉपिक ये है कि किस तरह आप घर पर रहकर अपनी स्किन का और अपने प्यारों की स्किन का खास ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि घर पर ही मौजूद है, करना कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको घर पर ही मौजूद कुछ रेमेडीज से बताऊंगा कि आपने क्या करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से आप घर रहकर अपनी स्किन का खास ख्याल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ें चाहिए, परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ दो ही चीज़ें बताऊँगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ये एंटीसेप्टिक भी होती है और ये स्किन की ड्राइनेस को भी ख़त्म करती है और स्किन को सूथ भी करती है। दूसरे नंबर लेना है आप लोगों ने रोज़ वाटर। आपने 1 1 टेबल स्पून दोनों क्वांटिटी में लेना है। मैं आपको बनाकर भी दिखा दूँ कि एक हाथ में मेरे पास कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। जो चैनल की वीडियोज़ होती हैं वो एडिटेड होती हैं, उसमें तो हम लोग जो है वो कर लेते हैं, लेकिन होता ये है। तो ये मैंने इसमें डाल लिया। अब करना ये है कि हम लोगों ने इसको हल्का सा हाथ पर लेकर, मतलब इस तरह से करना है और इसको हम लोगों ने अप्लाई कर लेना है अपने फेस के ऊपर। आपने इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं आप कर लें, बिकॉज रोज़ वाटर है ये, स्किन को आपकी क्लिंस भी करेगा और इसी के साथ साथ आपकी स्किन पर एक ग्लो भी आएगा, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक एलोवेरा जेल मौजूद है, ये तो अच्छी कंपनी का ही है और आप लोग के पास भी अच्छी कंपनी का ही होगा। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी ले सकते हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपने कोई अच्छा ब्रांडेड ही लेना है। आपने करना ये है कि आपने रात को, सॉरी सांस चढ़ गया है, तो मेरे पास पानी भी मौजूद है, थोड़ा सा पानी पी लूँ। इतना ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे, इसीलिए सॉरी। तो हमने एलोवेरा जेल को भी डेली अप्लाई करना है। एलोवेरा जेल एंटीसेप्टिक होती है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो आपने करना ये है कि जब भी आप सैनिटाइज़र या हैंड्स को वॉश कर रहे हैं, बिकॉज आजकल सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से, हमें करना ये है कि सैनिटाइज़र तो हम यूज़ कर ही रहे हैं हाथों को सैनिटाइज़ करने के लिए। दूसरी बात ये आपने करना ये है कि आपने फ़ौरन जब भी आप हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल हाथों पर ज़रूर लगानी है। हाथ जो हैं बहुत ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार जब भी बाहर से आ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हाथों को हम लोग वॉश करते हैं। तो वॉश करने के जितना ज़्यादा वॉश करते हैं, हाथ उतने ही ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए एक और ये था कि एलोवेरा जेल आप लगाएं, इंस्टेड ऑफ़ कि आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, एलोवेरा जेल ही यूज़ करें आप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और घर से ही बैठकर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए, दुआ कीजिए कि ये दुनिया से, बल्कि दुनिया के जितने भी तमाम लोग हैं, ना सिर्फ मुसलमान, सब लोगों के लिए मैं यही कहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि पूरे मुल्क के लिए आप लोग ख़ास दुआ करें, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को और जो लाइक भी कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को देख भी रहे हैं, आगे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए हमज़ा इब्रार को, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।